हेलो एवरीवन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू दी लॉ एंट्रेंस चैनल ऑफ अडा ट्वेंटी फोर सेवन आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं स्पेशली गर्ल्स सच सच बताना कभी आप लोग लोकल मार्केट गए हो क्या लोकल मार्केट बोले तो अगर मैं दिल्ली की बात करूँ लाजपत नगर पालिका बाजार सरोजनी के कपड़े पहन के मैडम जाती डिस्को ये जो गाना है तो सरोजनी रगर गए हो क्या तो आप लोगों से चलो बॉयज भी बिकॉज बॉयज भी भाई थोड़ा सा टशन दिखाने के लिए लोकल मार्केट से सामान लेके आते हैं जहाँ पे डिटो ब्रांडेड सामान लिखा रहता है लेकिन एक्चुअली में वो सामान वैसा होता नहीं है बिल्कुल मतलब हर के घर में ना अलग अलग जो 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 भी एरिया में रहता है सबके यहाँ पे अलग अलग मार्केट का नाम होता है अट्टा मार्केट न जाने कितने सारे मार्केट है भाई मैं तो दिल्ली के ये सारे जगह पे घूम चुकी हूँ पालिका बाजार से लेकर सरोजनी नगर हर का चोर बाजार भी है जहां पे कपड़े मिलते हैं पच्चीस रुपए तीस रुपए वो भी ब्रांडेड वाले <laughs> विश्वास होता है आप लोगों को दैट इज ट्रू गए हैं आप लोग सब लोग गए होंगे ओके okay, संजना मोस्ट वेलकम बच्चे मोस्ट वेलकम बिल्कुल आशीष बहुत सस्ता मिलता है मतलब बैचलर लाइफ में तो भाई बहुत खरीदा है एक बात बताओ लोकल मार्केट से हम कोई सामान लेते हैं अगर कोई सामान हमारा डिफेक्टिव निकल गया तो क्या आप लोग लड़ाई करने जाओगे वहां पे जल्दी बताइए मैम ये टॉपिक हम फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं दैट्स ग्रेट बेटा मतलब हर जगह अलग अलग आप लोग का सामान तो बताइए अगर मैंने दो सौ रुपये का कुर्ती खरीदा है सरोजनी नगर से अगर कुर्ती में कुछ डिफेक्टिव निकल गया तो आप लोग बताइए क्या यहाँ पे मैं केस फाइल करूँगी सचिन वो मार्केट वाला क्या उगाड़े मैडम जी दो सौ का सामान है कितना लड़ोगे हम लोग की मम्मियाँ तो लड़ लेंगी लेकिन हम लोगों को लड़ने में बहुत दिक्कत होगा तो यानी कि अगर हम लोकल मार्केट से सामान खरीदेंगे ना सो so, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज वी नो ना कि लोकल मार्केट में अगर आप सस्ता सामान खरीद रहे हो तो वो कभी भी डिफेक्टिव निकल जाता है दुकानदार हमें ना गारंटी देता है ना वारंटी देता है इज दैट ओके लेकिन गाइज ज्योति अगर मैं एडिडास के शोरूम में जाती हूँ जस्ट थिंक अगर मैं एडिडास के शोरूम में जाती हूँ तो वहाँ पे तो मैं आंख बन करके जाऊँगी मैं बोलूँगी कि मुझे शूज़ चाहिए आठ नंबर का उसने मुझे शूज़ दिया दिखने में तो बिल्कुल रापचिक लग रहा है लेकिन जैसे ही मैं गई घर में मैंने घर में नोटिस किया अर्चना तो उसमें बेटा एक छेद निकला मेरे एरिडास के शू में तो क्या अब मैं इससे लड़ सकती हूँ क्या मैं जाके बोल सकती हूँ कि भैया आपने सामान देखो डिफेक्टिव दिया क्या यहाँ पे मुझे कंपनसेशन मिलेगा क्या यहां पे मुझे न्यू शूज मिलेगा जल्दी बताइए दो मार्केट मैंने आपके सामने रखे हैं तो भाई एडिडास के शोरूम में जल्दी बताओ एडिडास के शोरूम में संजना बेटा बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हो एन का एग्जाम अगर आप अभी से प्रिपेयर करते हो द आंसर इज यस आशीष बेटा यहाँ पे आपका आंसर होगा यस हम यहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं लेकिन यहां पे होगा आप लोग का बिग नो क्यों लोकल मार्केट और ये आप लोग का शोरूम है शोरूम हमें गारंटी देगा लेकिन लोकल मार्केट हमें गारंटी नहीं देगा इसलिए क्लास अगर आप लोग पहले टीवी देखते होंगे नेशनल टेलीविजन तो वहां पे एड आता था जागो ग्राहक जागो जल्दी बताइए क्लास किसी ने देखा है ये जागो ग्राहक जागो भाई हम लोग के समय में जब मैं स्कूल टाइम में थी डी डी नेशनल मतलब नेशनल जो डी डी वन था वही चलता था तो डीडी वन में जागो ग्राहक जागो ना जाने कितने सारे ऐड आते थे लेकिन आज लगता है कि वो एड बिल्कुल सही आते थे एटलीस्ट टी वी हम लोग को जागरूक तो करता था राइट ना टी वी हम लोग को रुचि बेटा जागरूक तो करता था ना बहुत सारे ऐड डी वन में चाहे तो आप लोग अभी भी उसका जो प्रीवियस टेलीकास्ट है वो सब देख सकते हैं लेकिन आज के डेट में साहिल अगर देखा जाए ऐड में तो ऐड तो सारे के सारे अपने ब्रांड को शो करने के लिए सारे ऐड दिखाए जाते हैं कोई अवेयर करने के लिए बहुत कम ऐसे ऐड होते हैं जो आज की डेट में हमको अवेयर करते हैं तो आज मैं जो आप लोगों को जो एक्ट पढ़ाने जा रही हूँ ना सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये जो एक्ट है ये आप लोग का क्लैट 2023 का पैराग्राफ है मैंने आपको पहले ही बोला है अदर लीगल सब्जेक्ट में जितने भी एक्ट आएंगे ना ये सारे एक्ट आप लोग अपने एलएलबी में पढ़ोगे लेकिन अभी किसी में से कुछ भी आ सकता है सेरोगेसी एक्ट में से आ जाएगा क्वेश्चन पिछली बार आया था तो ये सारे एक्ट मैं आप लोग को यहां पर कवर करूंगी तो इसलिए बिल्कुल दिल थाम के यहाँ पे सेशन को अटेंड करिए राइट right, सुमन तो ये आप लोग का क्लैट का प्रीवियस ईयर का भी पैराग्राफ है तो इसमें हमें ये एक्ट का नाम क्या है तो सबसे पहले हम एक्ट का नाम देखेंगे दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 यानी कि ये आप लोग का क्या है कंज्यूमर भाई हम लोग क्या है हम लोग कंज्यूमर है तो हमारे प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट आप लोग का 2019 का है क्या 2019 का एक्ट है द आंसर इज नो ये एक्ट आप लोग का पहले पता है कब बना 1986 का ये पहले का एक्ट बना था लेकिन आप भी जानते हो 1986 में जब ये एक्ट बना तो क्या उस समय हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते थे बताइए क्या उस समय हम लोग कंप्यूटर में ज्यादा टाइम व्यतीत करते थे क्या उस समय हम लोग का ये ऑनलाइन क्लास होता था द आंसर इज तो तो जिस तरह हम लोगों का टेक्नोलॉजी आया तो उस तरह हमें एक्ट भी क्या करना है चेंज करना है राइट ना तो ये आप लोगों का एक्ट एक्चुअल में 1986 का बना था लेकिन जिस तरह आप लोगों के जो चेंजेस सोसाइटी में होते गए तो चेंजेस की वजह से 2019 का अब हम लोग लेटेस्ट एक्ट पढ़ते हैं लेकिन 2019 के अलावा भी 2021 में अभी आप लोग का इसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था तो कुछ भी पोर्शन चेंज होता है ना तो एक्ट का नाम ईयर चेंज हो जाता है लेकिन 2019 में इतने सारे चेंजेस हुए थे ना कि देखा जाए तो आधा एक्ट चेंज हो गया था क्या चेंज हुआ था ये सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल ठीक है बहुत बढ़िया बेटा क्लाट का एग्ज़ाम सिर्फ एक ही बार होता है साल में वो कि दिसंबर में एग्जाम है आप लोग का ठीक है क्लास तो आप लोगों को होप सो मालूम चल गया कि यहाँ पे कौन सा एक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले इस एक्ट के बारे में थोड़ी बहुत खूबियाँ पढ़ते हैं ये एक्ट आप लोग का अगस्त नाइनटीन दो हज़ार उन्नीस में आया ईयर ये एक्ट का नाम ये है इस एक्ट का बेसिक पर्पज़ क्या है ठीक है इस एक्ट का अगर बेसिक पर्पज़ देखा जाए टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ़ द इंटरेस्ट ऑफ़ कंज्यूमर एंड फॉर द सेट पर्पज़ टू स्टैब्लिश द अथॉरिटीज मतलब अथॉरिटीज़ का अथॉरिटीज़ इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल द हाइएस्ट पावर जो कि इस एक्ट में हमें किसी अथॉरिटी को देना पड़ेगा अथॉरिटी फॉर टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ़ द कंज्यूमर डिस्प्यूट्स एंड फ़ॉर द मैटर कनेक्टेड विद मतलब जो भी डिस्प्यूट्स हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आते हैं उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना ये एक्ट का बेसिक थीम है आपका ठीक है और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये आप लोग का एमएससी का क्वेश्चन बन सकता है ये आप लोगों का मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ये किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ध्यान से देखिए जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं पहले का बना है बट 2019 को ये फॉर नहीं बेटा निशु दो ये 1986 को ही आ गया था निशु बेटा लेकिन अमेंडमेंट हुआ तो 2019 में अमेंडमेंट वाला चीज इसमें ऐड किया गया ठीक है तो सबको ये क्लियर हो गया क्लास ये हम क्या पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगी कि कंज्यूमर का मतलब क्या होता है क्योंकि ये एक्ट किसका प्रोटेक्शन कर रहा है ये एक्ट आप लोग का कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो भाई कंज्यूमर को समझना तो जरूरी है ना तो चलिए संजीवनी बेटा पहले कंज्यूमर को ना मैं अपने लैंग्वेज में आप लोगों को समझा रही हूँ ये हमारा कंज्यूमर है तो कंज्यूमर का मतलब होता है जो पर्सन समान को कंज्यूम करता है किस चीज को अचना कंज्यूम करता है ये कंज्यूम करता है गुड्स को और जो हम सर्विस अवेल करते हैं मैं दोनों का एग्जाम्पल आप लोगों को बताऊंगी कंज्यूमर कौन है जो समान को कंज्यूम करता है ठीक है और उसके बाद गुड्स को जो परचेज करता है तो सपोज अगर निकिता मैम ने एडिडास का शूज़ खरीदा है तो गुड्स का मतलब क्या होता है गुड्स का बेसिकली मतलब होता है जो आप लोगों के मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी में कुछ डिफेक्ट निकला है तो मैं इस एक्ट के अंतर्गत कंप्लेंट कर सकती हूँ और सर्विस का मतलब क्या होता है जैसे निकिता मैम ब्यूटी पार्लर का सर्विस लेती है ब्यूटी पार्लर में अगर वो जो ब्यूटी पार्लर ब्यूटी वो होती है ब्यूटिशियन होती है अगर उसने कुछ मान लीजिए वैक्सिंग कर रही है जला दिया मुझे तो मतलब उसने सर्विस को ढंग से नहीं दिया मुझे तो मैं उस सर्विस के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकती हूँ तो मतलब क्लास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप लोग का सिर्फ और सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के अंतर्गत होता है तो जो पर्सन गुड्स को खरीदता है जो पर्सन सर्विस को अवेल करता है उस पर्सन को क्या बोला जाता है कंज्यूमर जैसे सिमरन बेटा आप सब लोग यहां पे टीचिंग सर्विसेज को अवेल कर रहे हो तो टीचिंग सर्विसेज। बैंक में जाते हो बैंकिंग सर्विसेज। गाड़ी को सर्विसिंग कराने जाते हो तो सब चीज क्या है ये सब चीज सर्विसेज है दिल्ली मेट्रो में जाते हो तो दिल्ली मेट्रो हम लोगों को आने जाने का सुविधा सर्विस है आप लोग का बस से आना जाना तो बस हमें सुविधा देता है तो इतनी सारी आप लोगों की चीज़ें हैं जो कि सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं तो अगर आप लोगों का इन दोनों में कुछ भी डिफेक्ट निकला सो वी हैव अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जहाँ इसके अंतर्गत हम कोर्ट नहीं जाएंगे इसके अंतर्गत आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे आप लोगों के फोरम बने हैं जहाँ पे आप लोग अपने डिस्प्यूट्स को लेके जा सकते हो दैट्स ग्रेट बेटा, बहुत बढ़िया जो भी अपना यहाँ पे डेफिनेशन दे रहे हैं दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट तो चलिए क्लास अब थोड़ा हम लोग भाषा पढ़ते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर का क्या लैंग्वेज है ये पढ़ते हैं हम लोग ठीक है देखिए सबसे पहला कंज्यूमर एनी पर्सन हु बाइज गुड गुड्स को खरीदता है सर्विस सर्विस लेता है इन एक्सचेंज फॉर कंसिड्रेशन तो क्लास, कंसिड्रेशन का मतलब क्या होता है समथिंग फॉर समथिंग बिल्कुल सचिन बेटा इसमें दोनों सर्विसेज आएंगे गवर्नमेंट की सर्विसेज भी और नॉन गवर्नमेंट की सर्विसेज भी सर्विसेज इंक्लूड एवरीथिंग बेटा एवरीथिंग सचिन ठीक है तो रुद्र बेटा अ पर्सन हु बाय गुड्स सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ द कंसिडरेशन तो यहाँ पे क्लास आपका कंसिडरेशन क्या है हम लोग कोई फ्री में गुड्स नहीं खरीदते हैं फ्री में सर्विस अवेल नहीं करते हैं इसके बदले हम पैसे देते हैं किसको जहाँ से सर्विस अवेल कर रहे हैं तो कंसिडरेशन एंड यूटिलाइज सच गुड एंड सर्विसेज फॉर द पर्सनल यूज मतलब हम लोग जो सामान खरीद रहे हैं जो सर्विस अवेल कर रहे हैं वो अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं क्या कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं इट बट 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 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास यहां पे जो आप लोग का एक लाइन है एंड फॉर द पर्पज ऑफ री सेल एंड कमर्शियल यूज मतलब कि एंड यहां पे एक लाइन मिसिंग है कंज्यूमर वो पर्सन बिल्कुल नहीं कहलाएगा जो सामान को रीसेल करता है जो कमर्शियल यूज़ करता है दिस इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्लास डेफिनेशन में आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिला है कंज्यूमर का तो डेफिनेशन आप लोगों ने समझ लिया लेकिन बेटा जो पर्सन सामान रीसेल के पर्पज़ से ख़रीदता है रीसेल का मतलब क्या है जैसे यहाँ पे निकिता मैम ने इस शॉप से सामान खरीदा राइट ये हमारा क्या है शॉप है तो निकिता मैम कंज्यूमर है मान लीजिए मैम ने क्या किया ये कार खरीद लिया ठीक है कार खरीद लिया अब निकिता मैम ने क्या किया इस कार को बेच दिया सेल कर दिया किसको? थर्ड पार्टी को सेल किया तो बेटा ये जो अब डिस्प्यूट होगा ना एस और एन के बीच में ये आप लोग का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं जाएगा इसको कहते हैं रीसेल सेल का मतलब ये केस तो जा सकता है शॉप और निकिता मैम का केस लेकिन निकिता मैम और एस पर्सन का केस नहीं जा सकता है और कमर्शियल यूज का मतलब क्या होता है कमर्शियल जो बिजनेस पर्पज से यूज किया जाता है ये मैटर नहीं जाते हैं यमशेरा बी गाड़ी मैंने बेचा ठीक है क्लास तो कमर्शियल यूज़ का अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा रीसेल का कोई भी डिस्प्यूट होगा आप लोग कोर्ट जाइए कोर्ट तो भाई है ही मान लीजिए निकिता मैम ने कार बेच दिया और एस पर्सन ने मेरा पैसा नहीं दिया तो भाई जी कामिनी अगर एस पर्सन मेरा पैसा नहीं देगा तो मैं जाऊंगी कोर्ट में लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं जाऊंगी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो ये क्लास आप लोग का कंज्यूमर का डेफिनेशन है आप लोगों के क्लैट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था कंज्यूमर का ही डेफिनेशन था बताइए क्लास इज दैट क्लियर द डेफिनेशन एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज क्लियर नॉट जल्दी बताइए और इस सेशन को जितना हो सके आप लोग यहाँ पे शेयर करिए और इस सेशन को आप लोग यहाँ पे लाइक करिए जल्दी क्लास सेशन को लाइक करो जल्दी एंड आई होप सो जो मेरे क्लाट के बच्चे हैं जो एमएससी टी के स्टूडेंट्स से, हैं हर सेशन के जो स्टूडेंट हैं सबके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लियर बेटा डन ठीक है और मैंने आपको पहले ही बोला है इन सब सेशन का प्लेलिस्ट है अभी मैं आज क्लास के लास्ट में प्लेलिस्ट भी बता दूंगी कहां पे सारे आप लोगों को वीडियोस मिलेंगे टाइम कम है मैंने आपको पहले ही बोला है आज की डेट में दो महीना बाकी है दो महीना अपने आप को बिल्कुल झोंक दो।, दो महीना डेली मॉक पेपर करो और डेली रिवीजन करो उसके सिवा आपको कुछ भी नहीं करना है लीगल में सूरज क्या नया टॉपिक है मैम एक साल में क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब का भार मुझ पे छोड़ दीजिए लीगल में मैं आपको ए टू जेड हर एक चीज कराऊंगी लेकिन उसके लिए डेली साढ़े नौ बजे और तीन बजे हाजिर हो जाइएगा सितंबर ये हफ्ता बस 2023 का हम लोग पैराग्राफ करेंगे और अक्टूबर से जैसा कि मैम ने वादा किया है तीन बजे आप लोगों को मिलेगा बिल्कुल फ्रेश लीगल का पैरेगा और सुबह साढ़े नौ बजे हम कॉन्सेप्चुअल बेस रिविजन करेंगे एग्जैक्टली exactly, रुद्र प्रताप ठीक है चलिए जी उसके बाद अब देखो हम लोग क्या है क्लास हम लोग कंज्यूमर है तो कंज्यूमर के क्या होते हैं राइट्स भाई आप लोग भी देखो हमेशा हम लोग को ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना चाहिए हमें थोड़ा सा चीजों को समझना भी है राइट right, साहिल हमें चीजों को ऐसा पढ़ो कि भाई ये हमारे डे टू डे लाइफ में काम आएगा आज सपोज साहिल ने कुछ कार खरीदा अभी रिसेंट का केस था एक बंदे ने कार खरीदा था पेपर में भी आया था रिचा इसका न्यूज कार खरीदा एक महीने में ही उसका इंजन खराब भाई इंजन बहुत सालों बाद खराब होता है लेकिन वो जहाँ से गाड़ी खरीदा था वो मानने को रेडी नहीं है कंप्लेन फाइल कर दिया और कंप्लेंट फाइल करते ही कंपनसेशन देना पड़ा जहाँ से गाड़ी खरीदा था न जाने कितने सारे केसेस हैं आप लोग के और केसेस सुनिए दस रुपये की बिस्लेरी की बोतल एक बंदे ने खरीदा बिस्लेरी का बोतल पैक होता है तो भाई बिस्लेरी कंपनी ही तो बना रही है उस कंपनी में क्या है और सॉरी उस बोतल में दस रुपये की में तम्बाकू था फाइल हुआ पच्चीस हजार कंपनसेशन मिला दस रुपए की बोतल में तो ये सब क्या है जागो ग्राहक जागो हम लोग जागे हमने कंप्लेन फाइल किया फेयर एंड एंड लवली सब लोग लगाते हैं गर्ल्स राइट ना अर्चना फेयर एंड लवली फाइल कर दिया मान लीजिए कोई साउथ अफ्रीका का होगा उसने कंप्लेन फाइल कर दिया कि हमने तो लगाया हमने तो लगाया कहां पे गोरे हुए कंप्लेन फाइल हुआ उसका नाम चेंज हो गया तो फेयर एंड लवली का नाम क्या है फेयर एन एंड ग्लो मतलब लगाने से ग्लो आता है लेकिन हम गोरे नहीं होते हैं That's great, अनामे का। बहुत बढ़िया गूगल पे केस फाइल कर दिया और भी ना जाने कितने सारे केस हैं। एक कौन सा ड्रिंक है ड्रिंक पे केस फाइल हुआ था ड्रिंक ने ऐड क्या किया था पीते ही विंग्स लग जाते हैं दैट इज पॉसिबल क्या था शायद रेडबुल था पीते ही विंग्स लग जाते हैं कंप्लेन फाइल हुआ ये वर्ड हटाना पड़ा रेड बुल तुम बेटा रिया बहुत जानती हो रेड बुल राइट तो ये सब चीज क्या है ये सब आप लोगों के लोग जागरूक हुए और उन्होंने केस फाइल किया फेयर एंड हैंड भी मतलब आप तुम लोग समझ गए ना कि अब ये सब चीजें लोग कहां कंप्लेन फाइल करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्यों क्योंकि हमने गुड्स खरीदा है गुड्स में डिफेक्ट निकला है एंड वी कैन फाइल द केस बस बस तुम लोग को एग्जाम्पल मैंने खूब सारे दे दिए अब तुम लोग को सब कुछ मालूम है अब तुम सुन लो एज अ कंज्यूमर अब हम लोग के राइट्स क्या हैं गाइज देखो सबसे पहला राइट राइट टू सेफ्टी राइट टू सेफ्टी हम कोई सामान खरीदते हैं सामान खरीद के लाए और ब्लास्ट हो गया वॉट इज दिस भाई हम लोग कम्प्लेन फाइल करते हैं कम्प्लेन फाइल कर सकते हैं बिकॉज हम जो भी सामान खरीदे ये हमारा हक है कि वो सेफ होना चाहिए हमारे लिए समझ में आ गया जैसे मैंने बोला कि भैया मुझे ठंड आ रही है मुझे एक बॉटल दो जो बॉटल मतलब गर्म पानी उसमें रह सके दुकानदार ने दे दिया मैंने घर में गर्म पानी भरा जैसे ही गर्म पानी भरा ब्लास्ट ब्लास्ट हो गया मतलब सेफ्टी मैं कंप्लेन फाइल कर सकती राइट टू इंफॉर्मेशन मैं खरीद रही हूं मैगी मेरा हक है मेरा राइट right है कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए इस मैगी में क्या क्या चीज बना है क्या क्या चीज से मैगी बना है आई अ राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन मैं कंपनी में केस फाइल कर सकती हूँ कि भाई नहीं कंपनी में मैं आर टी आई फाइल कर सकती हूँ कि मुझे चाहिए कि किस किस से बना है राइट टू चॉइस भाई मैं जाती हूँ शॉप में शॉपकीपर मुझे बाउंड नहीं कर सकता कि मैडम जी यही सामान लीजिए अरे मेरी मर्जी राइट टू चॉइस शोरूम में भी जाओ तो मेरी मर्जी में कोई सा भी शूज निकाल के देख सकती हूं राइट टू चॉइस मेरा राइट right है राइट टू बी हर्ड सुनने का राइट टू बी हर्ड भाई अगर कुछ भी डिफेक्टिव निकला तो कोई ना कोई फोरम होना चाहिए कोई ना कोई अथॉरिटी होना चाहिए जो मेरी सुनेगा. राइट टू सीक रिडर्सल रेमेडी के लिए पर्टिकुलर फोरम है मैं बताऊंगी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप लोग कहां जा सकते हैं इन सब चीज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन मेरा राइट right है एडुकेशन का रिगार्डिंग एनी तो क्लास ये आप लोगों के छह राइट्स हैं कंज्यूमर के तो भाई मैं भी कंज्यूमर आप भी कंज्यूमर हमारे परिवार वाले भी कंज्यूमर दैट्स इट बताइए कोई दिक्कत इसमें किसी को किसी को कोई यहाँ पे दिक्कत कंज्यूमर राइट्स में जल्दी बताइए फटाफट सेशन को यहाँ पे लाइक कर दीजिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट जागो ग्राहक जागो और कुछ आप लोग को एग्जाम्पल याद आ रहा है तो आप लोग मुझसे एग्जाम्पल शेयर कर सकते हैं या जो बच्चे रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं आप लोग भी एग्जाम्पल को शेयर कर सकते हैं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है आजकल ऑनलाइन कंप्लेन तो बहुत करते हैं एग्जैक्टली exactly ली बिल्कुल बेटा बिल्कुल अंशिका बिल्कुल क्लियर बहुत बढ़िया बस ऐसे ही चीज़ें होनी चाहिए आप देखो क्लास कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 और 2019 का मैं आपके सामने डिफरेंस लेके आई हूँ मतलब मैं यहाँ पे यूट्यूब सेशन में ना जो वन शॉट करा रही हूँ जो कि अदर लीगल सब्जेक्ट का पार्ट है जिस बच्चे ने इसे कर लिया समझ लेना आप लोगों का जो अदर लीगल सब्जेक्ट जो कि पिछली बार क्लास में पांच पैराग्राफ आया था आउट ऑफ एट पांच पैराग्राफ के नंबर अपने पास कर लीजिए ठीक है तो अब देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है ये जो हमारे बाबा आदम के जमाने का था और ये अभी लेटेस्ट जमाने का क्या क्या आप लोगों में चेंजेस आए हैं ठीक है चलिए सबसे पहला सबसे पहला रेगुलेटर रेगुलेटर का मतलब क्या होता है जैसे हमारे इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उन बैंक्स का रेगुलेटर कौन होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्योंकि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक तो वो क्या होता है रेगुलेटर अच्छा आशीष ने क्वेश्चन पूछा कि मैम जो ट्रेन में पानी बोल बोतल भेजते हैं पिनी निकल लेकिन बीस रुपये होता है केस पर नहीं आशीष देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आशीष का ये चीज़ मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ सपोज क्लास हम लोग जाते हैं मूवी देखने बाहर अगर पॉपकॉर्न खरीदते हैं तो दस रुपये का पॉपकॉर्न आता है राइट आशीष लेकिन वही पॉपकॉर्न मूवी थिएटर में टू हंड्रेड रुपीज़ का आता है तो बेटा मूवी थिएटर की मैं ओनर हूँ मेरी मर्जी अगर मैं क्वालिटी अच्छा दे रही हूँ पॉपकॉर्न में तो मैं उसका दाम रख सकती हूँ लेकिन रीजनेबल होना चाहिए अब ऐसा है तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल एक हज़ार का दो हज़ार का पॉपकॉर्न का प्राइस नहीं डेढ़ सौ ढाई सौ साढ़े तीन सौ चार सौ ऐसा रेट होता है वो लोग कर सकते हैं बिकॉज थोड़ा सा एक जो आपका मान लीजिए एक ढाबा है राइट ढाबा में जो तड़का दाल है वो आपकी पचास रुपए की मिलती है वही आपके फाइव स्टार होटल में तड़का दाल नौ सौ निन्यानवे की मिलती है तो आप लोग केस फाइल नहीं कर सकते क्यों क्योंकि आप भी जानते हैं ढाबा कैसा होता है और फाइव स्टार होटल आप लोग का कैसा होता है समझ में आ गया नो हर्ष बेटा नहीं होगा ठीक है उसके लिए हम कोर्ट में जाएंगे सीधा हर्ष बेटा बिल्कुल बेटा सिमरन क्वालिटी भी होनी चाहिए बिल्कुल समझ में आ गया श्वेता बेटा क्लैट का नया बैच क्रैश कोर्स का कल से शुरू हो रहा है तो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं जो क्लैट का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो आप लोग क्रैश कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं कूपन कोड आप लोग को सिंपली यूज करना है वाई थ्री नाइन वन पी ये आप लोग का कोड है ठीक है कल से क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है क्लैट का चलिए सबसे पहला यहां पे कोई आप लोग का सेपरेट रेगुलेटर नहीं था आप देख सकते हैं नो सेपरेट रेगुलेटर लेकिन यहाँ पे 2019 में सी एक नया रेगुलेटर बनाया गया समझ में आ गया सी नया आपका रेगुलेटर 2019 में बनाया गया उसके बाद अगर मैं कंज्यूमर कोर्ट की बात करू कम्प्लेंट शुड बी फाइल इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर सेलर ऑफिस इज लोकेटेड मतलब क्लास 1986 में जहाँ पे सेलर का ऑफिस होता था यानी कि जिस दुकानदार ने हमें धोखा दिया है हम उसी ऑफिस के पास जो कोर्ट होता था वहाँ पे केस फाइल करते थे लेकिन 2019 में क्लास हम कम्प्लेंट कहाँ पे फाइल करते हैं जहाँ कम्प्लेन मतलब अगर निकिता मैम के साथ धोखा हुआ है और दुकान सपोज 25 किलोमीटर दूर है तो मैं वहां भी केस फाइल कर सकती हूं और अपने जगह में भी केस फाइल कर सकती हूं ध्यान से देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट लाइबिलिटी यहां पे कंज्यूमर कैन अप्रोच सिविल कोर्ट बट नॉट कंज्यूमर कोर्ट मतलब 1986 में लोग अधिकतर कहां पे जाते थे सिविल कोर्ट में और यहां पे आप लोग का कैन सी कंपनसेशन फॉर द प्रोडक्ट एंड लोगों का पर्टिकुलर फोरम बन चुका है जहां पे हम केस को जाते। से <coughs> ये जो पॉइंट है आप लोग का ये मैं आप लोगों को समझाऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल और आप लोग का नेशनल लेवल ठीक है उसके बाद ई e कॉमर्स का कोई सुविधा नहीं था लेकिन 2019 में आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के आने से आप लोगों का यहाँ पे ई e कॉमर्स का सुविधा है यानी कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग में भी अगर कुछ डिफेक्टिव हो गया वी कैन फाइल द केस मीडिएशन सेल नो लीगल प्रोविजन मीडिएशन सेल यस मीडिएशन का मतलब क्या होता है क्लास देखो मीडिएशन आप लोगों का एक जरिया होता है जहाँ पे ये एक्स पर्सन होता है जो डिस्प्यूट को क्या करता है सॉल्व करता है तो मीडिएशन आप लोगों का एक अल्टरनेटिव वे होता है जस्टिस का जैसे आपका कोर्ट होता है लेकिन कोर्ट में हमें प्रोसीजर्स को फॉलो करना है इसी तरह हमारे इंडिया में कोर्ट का बर्डन कम करने के लिए अल्टरनेटिव वे बनाए हैं जस्टिस के जैसे आर्बिट्रेशन कंसिलियशन मीडिएशन तो मीडिएशन भी एक जरिया है जहां पे जस्टिस मिल सकता है तो 2019 में मीडियशन आप लोग का बनाया गया देखिए ध्यान से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपस में बात मत करिए अंश का मैम जब हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो बिस्लेरी बोतल बोल के पानी देते लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल पानी की तरह होता है तो उसके लिए फाइल बिल्कुल फाइल कर सकते हो अंशिका बिल्कुल लेकिन आपने देखा होगा उस बिस्लेरी की बोतल में जो नाम होता है ना वो स्पेलिंग चेंज कर देते हैं ये मैंने भी नोटिस किया है ध्यान से देखिएगा एक्चुअल देखो आप किसी का कॉपी नहीं कर सकते हैं कॉपी करेंगे तो भाई आप पे कॉपीराइट का वो हो जाएगा तो बिस्लेरी की बोतल में ना स्पेलिंग उसका अलग होता है समझ में आ गया दैट्स ग्रेट ओके okay, अंशिका तो ये आप लोग का यहां पे है आप देखो क्लास दिस इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट गाइज दिस इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट इसको हम ध्यान से यहां पे पढ़ेंगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहले आप लोग देखिए सेशन को फटाफट लाइक करते रहिए सेशन को फटाफट लाइक करिए जितने भी बच्चे यहां पे लाइव हैं जितने भी बच्चे यहां पे लाइव हैं प्लीज आप लोग सेशन को यहां पे लाइक करते रहिए <laughs> <Exactly. laughs> ठीक क्लास अब देखो देखो जुडिडिक्शन का मतलब क्या होता है जैसे आप लोगों को अभी तक सिर्फ इतना मालूम है कि हम कोई भी डिस्प्यूट होता है हम लोग कोर्ट में जाते हैं लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ना डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल नेशनल लेवल तीन लेवल के आप लोगों के फोरम बने रहते हैं तो हम किस कंडीशन में डिस्ट्रिक्ट लेवल में जा सकते हैं किस कंडीशन में स्टेट और किस कंडीशन में हम लोग नेशनल में जा सकते हैं ध्यान से देखिए अगर देखो क्लास ये 1986 का है ये 2019 का है तो आप लोगों को लेटेस्ट ना 2019 वाला याद करना है लेकिन कंपैरिजन में आपका बोलूंगी अगर सुमन हमने कोई भी गुड्स या सर्विसेज किया अवेल किया उसका प्राइस अगर ट्वेंटी लाख तक है कहाँ पे जाएंगे हम लोग डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडिसल फोरम अगर गुड्स और सर्विसेज का प्राइस बीस लाख से एक करोड़ के बीच में है हम कहाँ पे जाएंगे स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडिसल और अगर हम लोग अगर कोई गुड या सर्विसेज एक करोड़ से ऊपर का है तो हम कहां पे जाएंगे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडिसल कमीशन ध्यान से देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपका 2019 में जब जुडिक्शन चेंज हुआ तो मतलब गुड या सर्विसेज के मैटर अगर एक करोड़ तक के हैं मतलब कोई मैंने गाड़ी खरीदा पचास लाख का BMW गाड़ी उस गाड़ी में कुछ डिफेक्टिव निकला तो मैं सबसे पहले केस कहां पे फाइल करूंगी जिस जगह में रहती हूं उस जगह का डिस्ट्रिक्ट जो फोरम होगा वहां पे केस फाइल करूँगी। उसके बाद बच्चों आप लोग का नेक्स्ट क्या है अगर मैटर एक करोड़ से दस करोड़ तक के बीच का है स्टेट और नेशनल में अबाउट टेन करोड़ मतलब यहां पे 2019 में आपका लिमिट बढ़ाया गया देखिए ध्यान से यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो आप लोगों को क्लास वैसे इसमें से क्वेश्चन आप लोगों का आएगा तो नहीं लेकिन अगर आ गया तो आप लोग 2019 वाला याद रखिएगा 2019 का ये जो मैटर है ये आप लोग याद रखिएगा लेकिन क्लास 2021 में फिर से आप लोगों का जूरिसिक्शन जूरिसन का मतलब होता है क्षेत्राधिकार फिर से आप लोग का क्षेत्राधिकार चेंज हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल में नॉट एक्सीड पचास लाख स्टेट कमीशन में नॉट एक्सीड टू करोड़ रुपीस, फिफ्टी लाख और टू करोड़ ,00 और तीसरा नेशनल फोरम में एक्सीड टू करोड़ तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं ये आप लोग का मैटर है तो 1986, 2019 2021 अगर देखा जाए डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल तो डिस्ट्रिक्ट में अप टू ट्वेंटी लाख ट्वेंटी लाख से एक करोड़ यहाँ पे अब वन करोड़ यहाँ पे अप टू वन करोड़ वन करोड़ से दस करोड़ यहाँ पे अब दस करोड़, करोड़ और ये 2021 में आप लोग का अप टू पचास लाख ये पचास लाख से दो करोड़ और ये आप लोगों का अब दो करोड़ ये आप लोग का जुरिसडिक्शन है अरे बेटा सचिन अगर बात दस लाख की हो बिलो टेन लाख तो बेटा ये सब बिलो फिफ्टी लाख है तो बिलो फिफ्टी लाख में तुम्हारा ये आ जाएगा समझ में आ गया बिलो 50 लाख बेटा ये आप लोग का मतलब बिलो 50 लाख का कोई भी गुड्स लेते हो कोई भी सर्विसेज अवेल करते हो तो आप लोग को सीधा जाना है डिस्ट्रिक्ट में. में और जो भी यहां पे कैंडिडेट्स है हमें लेटेस्ट वाले चीजें याद करनी है तो 2021 आप लोग का लेटेस्ट वन है तो हमें इस पे फोकस करना है हो गया इज दैट ओके जल्दी बताइए क्लास ये आपको क्लियर हुआ सबको जल्दी बोलिए इज दैट क्लियर क्लास दिस वन 2021 का तो ये बेटा आप लोग का मतलब कोई भी गुड्स या सर्विसेज 50 लाख या दो करोड़ के बीच में है तो हम डायरेक्टली स्टेट में जा सकते हैं कोई भी मैटर अबव 2 अब करोड़ का हमने कोई सामान खरीदा है कोई गाड़ी ही 2 लाख करोड़ से ऊपर है कहाँ पे जाएंगे डायरेक्टली नेशनल फोरम में और एक बात ध्यान रखिएगा लीशा, सपोज इफ वी आर नॉट सेटिस्फाई विद द डिस्ट्रिक्ट कमीशन सपोज हम इसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो हम अपील कहाँ कर सकते हैं स्टेट कमीशन में हम स्टेट कमीशन के डिसीजन सेटिस्फाई नहीं है हम कहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं नेशनल कमीशन में तो ये आप लोगों का अपीलेंट बॉडी भी होता है मतलब यहाँ पे हम लोग क्लास क्या कर सकते हैं अपील भी कर सकते हैं देखिए ध्यान से इज दैट ओके यहां पे हम लोग अपील भी कर सकते हैं सबको यहां पे समझ में आ गया तो जो भी यहां पे कैंडिडेट्स हैं, ये आप लोगों का आज का सेशन था जो मैंने आपको बताया वन शॉट इन विच वी हैव डन एवरीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो अब जो भी यहां पे कैंडिडेट्स हैं कल 26 सितंबर है कल से आप लोगों का क्लैट का क्रैश कोर्स का बैच शुरू हो रहा है तो जो भी यहां पे कैंडिडेट्स हैं जो भी क्रैश कोर्स में नहीं लिए हैं तो आप क्रैश कोर्स में ले सकते हैं इज दैट ओके शानू बेटा सी यू के लिए अगर आपको कोई बुक चाहिए तो बेटा इट्स बेटर कि अगर आप कोई सा भी सी यू का बैच ले लीजिए बिकॉज बुक पढ़ने से फायदा नहीं है सी यू टी पी जी में जो सिलेबस है दैट इज़ डैम इजी इट इज इफ इफ इट इज़ पॉसिबल डू द क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स हैं अगर आपको क्लैट का बैच लेना है जो कल से शुरू हो रहा है ऑल कोर्सेज पे जाइए अंडर ग्रेजुएट पे जाइए लॉ एंट्रेंस और ये क्लैट पे क्लिक करो जैसे ही क्लैट पे क्लिक करोगे ये आपका स्प्रिंट बैच है और जिसने भी यहाँ पे लॉ का महापैक लिया है तो लॉ के महापैक में ये क्रैश कोर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो ये आपका क्रैश कोर्स है बहुत ही आप लोगों का कम प्राइस है वाई थ्री नाइन वन पी वाई थ्री नाइन वन पी आज एट्टी परसेंट का डिस्काउंट आप लोग का चल रहा है गाइस एट्टी परसेंट का डिस्काउंट आप लोग का चल रहा है तो अगर जिसको भी ये क्रैश कोर्स लेना है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए आप लोग ले सकते हैं इज दैट ओके तो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं जिनको कॉन्सेप्ट मॉक पेपर ई बुक्स चाहिए ये बैच आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और जिन बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो चुका है आपसे बस रिक्वेस्ट है रिविजन पे फोकस करो और नेक्स्ट आप लोग का जितना हो सके मॉक पेपर दिन में एक बार दो इज दैट ओके और जो भी यहां पर सीयू टी पी के कैंडिडेट्स हैं तो बेटा आप लोगों का ये बैच है सी यू टी पी का सेम कूपन कोड दैट्स इट। मैम इस साल एन एल यू दिल्ली भी क्लैट में है बताइएगा नहीं बेटा ध्रुव बिल्कुल नहीं और क्लास मैं क्या बोल रही हूँ आप लोग का क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस यूट्यूब चैनल ओपन करिए यहां पे क्लिक करिए जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आप लोग का ये प्लेलिस्ट है प्ले लिस्ट पर क्लिक करो और प्ले लिस्ट पर जाके आप देख सकते हैं आप लोगों का हर एक चीज़ का प्ले लिस्ट यहाँ पर गिवन है ठीक है हर एक चीज़ का प्ले लिस्ट ये आप लोग का क्लैट का है पर्टिकुलर ये लीगल रीजनिंग का है आप देख सकते हैं और लीगल रीजनिंग में जो ये आप लोगों के सेशंस हैं यहाँ पे लीगल रीजनिंग का आप लोग का हर एक चीज़ है देखो कॉन्ट्रैक्ट है आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप लोगों का यहाँ पे क्राइम है क्राइम के बाद आप लोगों का टॉट है और टॉट के बाद मैं आप लोगों को जो वन शॉट करा रही हूँ ये आप लोग का वन शॉट है तो हर एक चीज आप लोगों का यहाँ पे गिवन है दैट्स इट सो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं आप लोग यहाँ पे सेशंस को देखें अपना एग्जाम क्लियर करिए थैंक यू सो मच